दशक बीत चुके हैं इस यात्रा को शुरू हुए, और आप लोग कल्पना कीजिए आज के समय में जब हम कहते हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से, अपने स्वार्थों से, अपनी जरूरतों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी आशाओं से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ऐसे में एक व्यक्ति उठता है तो चीजें उसे उद्वेलित करती हैं, परेशान करती हैं, और बच्चों के लिए कार्य करने के लिए जब वो चल निकलता है तो वो कार्य की अनुगूंज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देती है, और इस तरह से सुनाई देती है कि वो भी उन्हें अलंकृत किए बिना, पुरस्कृत किए बिना नहीं रह पाते हैं। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी क्योंकि कहा जाता है कुछ लोगों का नाम ही काफी है। आप सब लोगों की करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को। कृपया मंच पर आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले पश्चिम में सूर्यास्त हुआ, लेकिन हमारे साथ जो 300 यात्री चले हैं, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, उनमें से हर एक ऐसा सूरज बन चुका है जिसका अस्त कभी नहीं होगा। और इनमें से कम 100 बच्चे ऐसे हैं या किशोर लोग ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं जो खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं, लेकिन वो अपने लिए चुपचाप होकर नहीं बैठ गए कि अब तो उनकी जिंदगी बच गई है, अब उन्हें और किसी से क्या करना। ये पूरे भारत के लिए जगाने को निकले हैं कि बाल यौन शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत यात्रा शुरू करने से पहले उनके माता पिता से भी मिला हूं, और ये देखकर शर्म आती है कि इस देश को क्या हो गया है। ये सरस्वती का देश, लक्ष्मी का देश, दुर्गा का देश, ये महापुरुषों का देश, गांधी का देश, बुद्ध का देश है, और इसीलिए हमारे यात्रियों ने और मैंने संकल्प लिया कि क्रांतिकारियों और महापुरुषों को इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती कि उनके देश को हम बलात्कारियों का देश नहीं बनने देंगे, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों का देश नहीं बनने देंगे। दिल्ली के, मैं कह सकता हूं, करीब 40 लाख बच्चे, अगर हम सरकारी स्कूल, नगर निगम के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इवन अपनी सब आंगनवाड़ियों को भी मैं जोड़ के देखूं, तो 46 लाख बच्चे दिल्ली में हैं। और इन 46 लाख बच्चों की तरफ से मैं आप सबको, कैलाश जी को और पूरी टीम, यात्रियों की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं, और हम सब मिलकर अपने लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें, इस पृथ्वी को, इस ज़मीन को बेहतर बना सकें। बस एक अर्जी जो मैं हमेशा, जब भी बच्चों की बात होती है, मैं कहता हूं और यहां भी कहना चाहूंगा, हमारी सारी बातचीत कहीं ना कहीं यहां आके खत्म होती है कि हम बच्चों से प्रेम करें। बच्चे को प्रेम तो चाहिए ही चाहिए, बच्चे को सम्मान भी चाहिए। कई बार हम प्रेम पर अपना फुल स्टॉप लगा देते हैं, प्रेम के बाद कॉमा लगे और सम्मान के बाद फुल स्टॉप लगे, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। ये दोनों शब्द हैं, इन शब्दों की अपनी अपनी एक सेंस है, इसको अगर हम समझ के काम करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि अक्सर एक शिक्षा मंत्री के रूप में मैं देख रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में मैं देख रहा हूँ, हम में से जो बहुत अच्छे के क्रम में भी कर रहे होते हैं तो अक्सर अपने आप को बच्चों से प्रेम करने तक सीमित कर लेते हैं। बच्चों का सम्मान करना ज़रूरी है, जब हम बच्चों का सम्मान करना सीख जाएंगे फिर शायद आपको यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।